सब्सक्राइब कीजिए हमारे स्वाद ऑफिशियल चैनल को और इस घंटे को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना कर बैठे। मेरा नाम राजेश कुमार है, मुरादाबादी दाल बेचता हूँ मरीना होटल के सामने स्टेशन के रोडवेज स्टेशन। और 30 रुपये प्लेट है, 40 रुपये प्लेट है और फुल प्लेट 60 रुपये की है। रुमाली रोटी भी है, दाल भी है और कम से कम 2-3 घंटे पकाने में लग जाते हैं, 2-3 घंटे लग जाते हैं, कम से कम 5-6 घंटे लग जाते हैं बनाने में। और स्वाद भी है, अच्छी भी है। मेरी दाल खानी है तो बजरिया रोड स्टेशन मरीना होटल के सामने। हेलो एंड वेलकम, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्वाद ऑफिशियल चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक पौष्टिक आहार लेके आए हैं। हम एक ऐसी चीज़ लेके आए हैं जो आप अक्सर शादियों में जाके खाते हैं, केटरिंग के तौर पे उसको बाहर से बुलाया जाता है और उनको उनका स्टॉल लगवाया जाता है। हम बात कर रहे हैं मुरादाबाद दाल की, जिसको बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है और प्रोटीन में तो बहुत ही ज़्यादा रिच होती है। ऐसा एक स्टॉल हमें मिला है गाज़ियाबाद के अंदर और कहते हैं कि ये एक लौता स्टॉल है गाज़ियाबाद में जो मुरादाबादी दाल लगाता है और इनकी दाल इतनी ज़्यादा फेमस है कि लोग बहुत दूर दूर से खाने के लिए आते हैं। देखिए हम भी पहुँच चुके हैं मुरादाबादी दाल खाने के लिए और आपको उसका स्वाद बताने के लिए। आइए मेरे साथ, हम टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं उसका स्वाद। तो ये वो दुकान है मुरादाबादी स्टॉल जो कि पूरे गाज़ियाबाद में इतनी फेमस है कि लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पे खाने के लिए आते हैं। और मुझे आसपास के लोगों ने भी बताया कि अगर आपको कुछ पौष्टिक आहार चाहिए तो आप यहाँ जाइए और मुरादाबादी दाल का मज़ा लीजिए। आई सीरियसली लव द वे इज़ प्रिपेयरिंग द दाल और जितने इत्मीनान से और जितने सुकून से ये लोग ये भैया यहाँ पे दाल को बना रहे हैं ना, वो देख के सचमुच आनंद आ गया क्योंकि इसके अंदर सारे वो फ्लेवर्स हैं जो कि आप एक अपनी दाल के अंदर चाहेंगे। ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला इन्होंने दाल को बॉयल करते हुए। और उसके अलावा जो मसाले हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा चार चांद लगा रहे हैं इस दाल के अंदर, चाहे वो पीली मिर्च हो या काली मिर्च हो या आप जीरे की बात करें या आप गरम मसाले की बात करें या जो इन्होंने मिर्ची फ्राई करके पीस रखी है उसकी बात करें। बहुत ही गजब और बहुत ही मज़ेदार दाल है, वन ऑफ इट्स काइंड है, बहुत ही यूनिक है और सचमुच मज़ा आ गया खा के। इट इज़ ओवर एंड वी फाइनली हैव अ प्लेट ऑफ मुरादाबादी दाल और उसके साथ हमने एक कुलचा लिया और एक रुमाली रोटी लिया। कुछ लोग रुमाली के साथ पसंद करते हैं, कुछ कुलचे के साथ पसंद करते हैं और कुछ ऐसे ही खाना पसंद करते हैं। तो हमने सोचा कि तीनों कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं और आपको फिर एंड में बता देंगे कि किसके साथ सबसे बढ़िया है। तो सबसे पहले रुमाली के साथ ट्राई करते हैं और इसमें भी बटर है बहुत सारा। ये देखिए ये है, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ मुरादाबादी दाल। आपने देखा किस तरीके से तैयार की जाती है, उसको बाद इस पर टॉप की जाती है ये चटनी हरी जो कि इनकी अपनी खुद की है। और मसाले बड़े यार इनके अमेजिंग लगे मेरे को क्योंकि इन्होंने बोला है कि सारे जो मसाले ये खुद अपने आप बनाते हैं और मैंने इंडिविजुअल उनको टेस्ट भी किया है तो वो भी मेरे को खाने में बहुत मज़ेदार लगे। तो अब रुमाली के साथ ही ट्राई करते हैं और इसका स्वाद आपको बताते हैं। दाल तो बहुत अमेजिंग है, नो डाउट, बहुत अच्छे से घुटी हुई है जैसे कि आपने देखा कि कितने टाइम से इन्होंने इसको गैस पे धीरे धीरे धीमी आंच पे रखा हुआ है घुटने के लिए। उसके बाद इन्होंने जो मसाले इस्तेमाल किए हैं, 6 तरीके के मसाले इस्तेमाल करते हैं। हर एक मसाला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस दाल के अंदर, चाहे वो काली मिर्च हो, चाहे वो गर्म मसाला हो, चाहे वो पीली मिर्च हो, चाहे वो फ्राइड लाल मिर्च हो या चाहे वो इनका चाट मसाला हो, हर एक का अपना अपना रोल है।
और बहुत अच्छा एक इसको किक देता है इस मुरादाबादी दाल को। उसके बाद ये लेमन स्क्वीज करते हैं, ऊपर से बटर डालते हैं, धनिया डालते हैं, अदरक डालते हैं एंड एक पौष्टिक आहार आपके लिए तैयार है। अगर आपको सिर्फ दाल चाहिए तो उसकी कीमत 40 रुपये है, अगर आपको दो रुमाली और दाल चाहिए तो 60 रुपये, दो कुलचे और दाल तो 60 रुपये, और अगर आपको पैक करा के लेके जानी उसका भी इनके पास प्रावधान है, कुल्हड़ में पैक करके देते हैं और कहते हैं कि जितनी ठंडी होगी उतनी आपकी जो दाल है वो बढ़िया होगी। तो आप कुलचे के साथ भी ट्राई करते हैं। ये देख रहे हो मक्खन की जो लेयर है, शाइन देख रहे हो मक्खन की, मतलब मक्खन की तो कोई कंजूसी करते ही नहीं है गाज़ियाबाद के अंदर। अमूल बटर का इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे अच्छी बात है, कोई मार्जरीन इस्तेमाल नहीं करते, कोई जो न्यूट्रीलाइट बटर है उसका कोई इस्तेमाल नहीं करते। ये देखिए, आइए इसकी भी एक बाइट लेते हैं। देखिए अपना अपना टेस्ट है, आप कुलचे के साथ ट्राई कीजिए आप या रुमाली के साथ ट्राई कीजिए, बट मैं प्रेफर करता हूँ सिर्फ दाल को एज इट इज़ खाना, क्योंकि इन दोनों के साथ इसका मेल नहीं है मेरे लिए, मैं सिर्फ दाल खाना पसंद करता हूँ। और बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मज़ेदार दाल है। दो कुल्हड़ मैंने अपने लिए पैक करा लिए, घर लेके जा रहा हूँ और घर जाके खाऊंगा और फैमिली के साथ इन्जॉय करूंगा। आप भी आइएगा और कमेंट्स में जाके बताइएगा कि अगर आप इनकी दाल खाने आए तो आपको इनकी दाल कैसी लगी। तो दो भाई और हमारे साथ मिले हैं, कि आप गाज़ियाबाद रहते हो या गाज़ियाबाद? वी आर फ्रॉम आगरा एंड वी आर हियर फॉर मीटिंग। अच्छा, और आप दाल खाते रहते हैं यहां पे? या रेगुलरली वी आर। अमेजिंग है। तो आपको किसके साथ पसंद लगी, रुमाली कुलचे के साथ या ऐसे ही? वी आर टेकिंग विद रुमाली रोटी ओनली। क्या बात है, चलो बढ़िया। ये भाई भी आए हैं, आते रहते, कहते हैं हम खाने के लिए, तो इनको रुमाली के साथ पसंद है, किसी को कुलचे के साथ पसंद है और किसी को एज इट इज ही पसंद है। बहुत ही खुशमिजाज भाई हमें मिले हैं, समीर मासूम जी। और भाई कब से खा रहे हो? 3 साल हो गए सर, खाते खाते बहुत अच्छी है, स्वादिष्ट है। अच्छा, तो क्या बढ़िया लगता है आपको उनकी दाल के बारे में? बहुत बढ़िया बनाते हैं, लागत भी अच्छी लगाते हैं और टेस्ट है, मुरादाबादी जैसी बनाते हैं, जैसे मुरादाबाद में दाल बिकती है वैसी ही उनकी अच्छी है, मतलब स्वादिष्ट है, अच्छी खासी भीड़ भी लगती है इनके द्वारा। तो आपको किसके साथ पसंद है, कुलचे के साथ या रुमाली के साथ या ऐसे? नहीं, देखा जाए तो कुलचे में खा लो चाहे रुमाली में खा लो, स्वादिष्ट ही होती है। क्या बात है, थैंक यू भाई। तो हमारे एक और भाई हमें मिले हैं, ये ना रुमाली रोटी ले रहे हैं ना कुलचा ले रहे हैं, कह रहे हैं मुझे दाल खाना ऐसी पसंद है। भाई क्या नाम है आपका? मयंक। मयंक नाम है, बड़ा वहाँ से बोल रहे थे मक्खन एक्स्ट्रा डालो, क्या बात है यार, मक्खन के बाद अमेजिंग लगती है, मतलब दाल का मक्खन के साथ स्वाद ऐसा हो जाता है अल्टीमेट। तो ये कब से खा रहे हो आप इनके साथ? इससे पहले भी एक ठेली लगती थी, हो गए अप्रॉक्स 3 इयर्स टू 4 इयर्स। अच्छा, कंटिन्यू। लेकिन इनका स्वाद और बढ़िया है? दोनों ही अच्छा है, दाल तो बढ़िया है बट वही है कि प्रोटीन फाइबर वगैरह सब चीज़ें, और फिर लगता है कि डाइट के हिसाब से एक होनी चाहिए। एक दिन तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेहतमंद भाई है हमारे, ज़्यादा डाइटिंग करते हैं लेकिन सिर्फ मक्खन ज़्यादा खाते हैं। तो आत्मा तृप्त, मन तृप्त, तन तृप्त और हृदय तृप्त, सब कुछ तृप्त, वो इसलिए क्योंकि इतनी अमेजिंग दाल ना मैंने स्ट्रीट पे बहुत कम खाई है, और उनमें से एक थी मुरादाबादी दाल गाज़ियाबाद में, जो ये मिल मैंने खाई है ना, उसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग था। वो मसालों ने जो अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, चटकारा आ रहा है और एक चसक सी आ रही है जो कह रही है कि यार और खा ले, थोड़ी सी और खा ले, लेकिन पेट भर गया, मन नहीं भरा। बहुत अमेजिंग दाल थी, खाना है, ट्राई करनी है तो आना। आपको एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे ही दूंगा, गूगल मैप की जो लोकेशन है वो भी दे दूंगा, पैसा वसूल है, बहुत टेस्टी थी, आना और ज़रूर खा के मुझे बताना, ठीक है? और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। अगली बार मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नई जगह पर, एक नए खाने की तलाश में। मिलता हूँ आपसे अगली बार, बाय बाय।